हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल ने सेंट्रल गाजा में 76 साल पुराने नुसीरत रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इस दौरान एक स्कूल को निशाना बनाया गया। वहीं फाइटर जेट से की गई इस एयर स्ट्राइक में 32 लोगों की मौत हुई है, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल इजराइल हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। इन्होंने गाजा में अलग अलग जगहों पर स्कूलों और अस्पतालों में पनाह ले रखी है। वहीं नुसीरत रिफ्यूजी कैंप गाजा पट्टी के बीचों बीच मौजूद है। वहीं 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद लाखों फिलिस्तीन बेघर हो गए थे। इन्हें पनाह देने के लिए नुसीरत कैंप बनाया गया था।